सरकार बाहर तो बड़ी खुशियां मन रही हैं, सभी खी खी करके दांत निकाल रहे हैं। एक आप हैं जो अपनी सारी खुशियां उनको बांट दी। चुप कर मत तो, जब देखो चपड़ चपड़, दो पल के लिए भी चुप नहीं बैठ सकती। मेरे सर में दर्द हो रहा। लो, आपका सर दबा तो रही हूं मैं। एक वो है कि एक पल के लिए भी खामोश नहीं हो सकते आपकी खातिर। ये कौन आ गया, देखती हूं। बहन जी, छीनने नहीं, आपका दुख सुख बांटने आई हूं। वो कहते हैं ना कि खुशियां बांटने से बढ़ जाती हैं और दुख बांटने से कम हो जाते हैं, तो बस आप मुझे अपनी छोटी बहन ही समझ लीजिए। आपने सिंह साहब को मुझे घर लाने की इजाजत दे दी। आपका मन तो समंदर से भी बड़ा है, मुझ बूंद को भी समंदर में मिला लीजिए। नहीं, तू ही कहती है ना कि तू बूंद है, पर जब बूंद समंदर में मिल जाती है तो समंदर हो जाती है। तेरी जगह मेरे पैरों में नहीं, मेरे दिल में। सर, अफगान सोल्जर्स के प्रपोजल के बारे में आपका क्या ख्याल है? अफगान्स नहीं, हम ब्रिटिश की तरफ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया है। That is great, sir. मगर उसके बदले में वो चाहते हैं कि जब अफगान आर्मीज दिल्ली पर कब्जा करने के लिए आए तो सरकार को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। और सर, अगर अफगान्स दिल्ली में आ गए तो ये कंपनी सरकार की सेहत और उनके मंसूबों के लिए अच्छा नहीं होगा।